आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और आज का जो वीडियो है वो आपकी रिकमेंडेशन पे, जैसा आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया है हमारे व्हाट्सएप पे भी और हमारे कमेंट बॉक्स में भी कि सर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड कोर्स की डिटेल हमें बता दीजिए। तो आज उन्हीं बच्चों की रिकमेंडेशन के बाद हम आपके सामने एक बीएड कोर्स डिटेल लेकर आए हैं जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रिकमेंडेशन है, यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीएड किस तरह से होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन सी किताबें और कौन कौन सी हमें जिसका टॉपिक होता है सिलेबस का वो हमें कवर करना है और इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आपने इसका छोटा सा पार्ट मिस कर दिया तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए। अगर किसी बच्चे को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 9045220432। आप हमसे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं। या फिर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के किसी और कोर्स की डिटेल जानना चाहते हैं हमसे तो आप हमें सीधा DM कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और हमें वहाँ पर आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड की बात करते हैं, कोर्स डिटेल की कंप्लीट बात करेंगे। तो सबसे पहले बात देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है बीएड, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत से बच्चों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि बीएड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसमें B.ED होता है और डॉट होता है, तो ये हुआ बैचलर ऑफ एजुकेशन। अभी जो बीएड होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि UG कोर्स होता है, यानी कि ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। जैसे आपने BA, BSc, BCom किया हो ये UG कोर्स होते हैं। इसी तरह से एजुकेशन लाइन में, एजुकेशन सिस्टम में जो पहला स्टेप होता है 12th के बाद वो क्या होता है, वो बीएड होता है। हालांकि जो बीएड होता है वो आपको ग्रेजुएशन के बाद कंप्लीट करना होता है, लेकिन फिर भी ये किस कैटेगरीज में आता है, ये अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी में आता है। इसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है यानी कि MA जो होता है उसको MED बोलते हैं। यानी कि जो बीएड का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होगा वो क्या होगा, MED, यानी कि मास्टर ऑफ एजुकेशन। ये एक छोटी सी नॉलेज थी जो आपके साथ शेयर करने के। अब बात करते हैं इसके आगे के क्या पार्ट है। अब बात करते हैं इसके आगे के पार्ट की। तो सब्जेक्ट कोड है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में B.22। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड का कोर्स है और इस कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 2 साल की है। कितने साल की है, 2 साल की। और इसमें जो सीटें हैं टोटल वो कितनी है, 200। यानी कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसके लिए ये 200 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, जो किस किस एग्जाम में, बीएड के लिए। अब इस बीएड की जो सीटें हैं 200, इसमें मैंने स्टार इसलिए बना रखा है क्योंकि इसमें जो डिवाइड है कैटेगरीज डिवाइड है, यानी कि जो जामिया मिल्लिया इसे बीएड कराया जाता है वो 3 मोड में कराया जाता है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू मीडियम। तो इसी के हिसाब से हमने इनकी जो सीटें हैं वो 200 यहाँ पे लिखी गई है। अलग अलग कैटेगरीज वाइज आपको नहीं बताया, वो 200 है। अभी एक कौन सी मीडियम में कितनी सीटें हैं और किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं वो आपको इस वीडियो के अंत में बता दिया जाएगा। इस वीडियो में बन रहे सब मीडियम की आपका और कौन कौन सा ग्रुप है वो आपको सभी चीज़ें आपको वीडियो के अंत में दिखाई दी जाएंगी। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस कितनी है। एंट्रेंस फीस तो सभी को मालूम होगा, इसकी आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जाके अभी पहले फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन है, इसका जो प्रोसेस है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एडमिशन टेस्ट का एंट्रेंस फॉर्म वो फिल किए जा रहे हैं, आप उसे जाके फिल कर सकते हैं। हालांकि जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीएड 2 तरीके से होता है, एक रेगुलर मोड पर होता है और एक डिस्टेंट मोड पर होता है। तो अभी जो फॉर्म निकले हुए हैं वो रेगुलर कोर्स के निकले हुए हैं, डिस्टेंट मोड के बाद में निकलते हैं। तो फीस है वो 6900 है। ये जो स्टार इसलिए बनाया गया है कि इसकी जो फीस है ये 1 साल की है। इसके अलावा बीएड जैसा आपको पता है कि एजुकेशन कोर्स है, एजुकेशनल कोर्स है, टीचिंग कोर्स है, तो इसमें एक एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके जो प्रैक्टिकल होते हैं और इसमें जो तमाम चीज़ें होती हैं उसकी आपको अलग से जो है उसका आपको पे करना होगा, वो उसकी गाइडलाइंस के अनुसार वो आपको इंटरनल में आराम से बता दिया जाएगा। अब जो इसके एंट्रेंस 21/8/2021 है और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है 11:30 से 2:30 बजे तक है, यानी कि लगभग 3 घंटे। हालांकि कुछ बच्चों को गलत फहमी है कि जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की डेट है, जो उन्होंने नोटिस निकाला है 26 जून वाला, उसी के अकॉर्डिंग है। नहीं, उसमें ये बताया गया है कि 26 जून से आपके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होंगे। तो आप उसका प्रोस्पेक्टिव देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस कोर्स का एग्ज़ाम जो है वो कब तारीख में होगा, कौन सी तारीख में होगा। ये इनका एंट्रेंस डेट है 21/8/2021
11:30 से 2:30 बजे तक। अब एडमिशन टेस्ट कहाँ होगा ये आपको तब पता चल जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कोर्स की, कि बच्चे फॉर्म भरने से पहले इसकी एलिजिबिलिटी चेक नहीं करते। तो ये इस चीज़ ने बड़ी ध्यान से देखें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो यूजी कोर्स है यानी कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, बीए बीएससी या बीकॉम आपने किया हो, कम से कम आपके जो मार्क्स होने चाहिए 50% होने चाहिए विदाउट रिजर्वेशन, यानी कि अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको उसका रिलैक्सेशन अवश्य मिलेगा। कम से कम आपने 50% के साथ अपना यूजी कोर्स कंप्लीट किया हो। तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो बीएड होता है वो 3 लैंग्वेज में होता है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट पर चूज़ करना होता है कि आपके जो ग्रेजुएशन में कोर्स है एटलीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट इन अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि आप जिस कोर्स में बीएड करना चाहते हैं या जिस लैंग्वेज में या जिस सब्जेक्ट में आप बीएड करना चाहते हैं वो कोर्स आपके पास ग्रेजुएशन में हो। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो बीएड करना है वो उर्दू मीडियम से करना है, तो अब आपके पास यूजी में उर्दू होना कंपलसरी है। इसके साथ आप जब दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि बीएड जो होता है वो मेनली 2 सब्जेक्ट से होता है, तो आपके पास हिस्ट्री होना चाहिए, सोशल साइंस होना चाहिए या ज्योग्राफी होना चाहिए, कोई ऐसा टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपको सेकंड सब्जेक्ट मिल जाए। तो एटलीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपके अंडर ग्रेजुएशन में होने चाहिए। लैंग्वेज से अलग आप एक कोई सभी सभी लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो आपको वो ग्रेजुएशन में भी पढ़ना होगा और वो ही कोर्स जो है वो सब्जेक्ट जो है आपको बीएड में पर सब्जेक्ट आपके टीचिंग सब्जेक्ट होने चाहिए एज अ मेन सब्जेक्ट जो आपको यूजी में होना चाहिए। इसके साथ जो मैंने अभी आपको बताया टीचिंग सब्जेक्ट और सेमिस्टर या ईयर, यानी कि आपने ऑनर्स किया हो या प्रोग्राम किया हो, तो जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट होंगे मेन सब्जेक्ट जो होगा वो आपने या तो सारे सेमेस्टर में पढ़ा हो या फिर आपने उसे 3 साल पढ़ा हो, क्योंकि जो यूजी का कोर्स होता है वो मेनली कितने साल का होता है, 3 साल का। तो आपने जो मेन सब्जेक्ट में पढ़ा हो और उसी से आप बीएड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक बात और है, आप सभी को काफ़ी रिकमेंडेशन था कि सर इसकी एज लिमिट क्या होती है तो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, हालांकि मैंने देखा तो उसके प्रोस्पेक्टर में ऐसा नहीं था जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड के कोर्स पोर्शन वाले में। तो फिर इनकी एक क्वेरी होती है जिसको एफएनक्यू बोलते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएड एंट्रेंस लिमिट, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको ऊपर दिखाया गया, तो उसमें दे रखा था एज नो लिमिट, तो यानी कि आप एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कोई भी लिमिट तय नहीं है। तो ये इसकी कुछ एलिजिबिलिटी हुई, कुछ इसके मेन पॉइंट हुए, आपको ये सारा ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा पार्ट भी होता है, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं इसी तरह से बीएड के ये 2 पहलू। पहला आपके सामने पेश खिदमत हो गया, अब हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये है आपका एंट्रेंस सिलेबस। और किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे जो ज़रूरी अहम बात होती है वो होती है उसका सिलेबस, क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप किस तरह से एग्ज़ाम देंगे और किस तरह से आप उसको एंट्रेंस क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप बारीक नज़र से देखें कि इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे हमने मोटा मोटा आपको बताया गया है कि इसमें ये चीज़ें आपको पढ़नी है जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, चाहे आप किसी भी मीडियम से बीएड कर रहे हो, हिंदी से, इंग्लिश से या उर्दू से, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है और ये सारी क्या है कंपलसरी है। तो इसमें 4 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो हम सारे पार्ट को एक एक वाइज जो है वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल इंटेलिजेंस की, यानी कि इसको बोलते हैं हम रीजनिंग। तो रीजनिंग आएगी इसमें 30 नंबर की। इसके बाद बात करते हैं पार्ट बी टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि अगर टीचर बनेंगे तो उसकी टीचिंग पेडागोजी जो होती है वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, या फिर आप इसको दूसरी जबान में कहें तो ये एक तरह से CDP होते हैं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कोर्स भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। इसके बाद बात करेंगे पार्ट सी की, ये है करंट अफेयर, ये जो आज के वर्तमान में क्या चल रहा है देश में दुनिया में, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी। 3 पार्ट हुए, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो इसमें मैं आपको बता दूँ ये जो सारे ऊपर के पार्ट है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इन सब के जो टोटल मार्क्स हैं ये 30 हैं, और ये 3 है इजिकल टू 3, तो 3 हिसाब से ये 90 हैं, यानी कि 90% पूछे जाएंगे आपसे 90 मार्क्स के। इसके बाद बात करते हैं पार्ट डी की, जिसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है, मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, ये है GS यानी कि जनरल साइंस। इसके बाद है SS यानी कि सोशल साइंस। इसके बाद है G न्यूमेरिकल यानी कि जनरल न्यूमेरिकल।
यानी कि हल्का फुल्का सा आपसे मैथमेटिक भी पूछा जाएगा, और जीएस भी आपको पता है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा आप कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। फिर इसके बाद आप अगर देखा जाए तो फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री की भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये डीप नहीं पूछेंगे, सिर्फ ऊपरी सतह से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएंगे। ये जानने के लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर की हेल्प ले सकते हैं कि ये किस तरह से पैटर्न था, जो आपको हमारे उस नंबर पर मिल जाएंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 9045220432। ठीक है, ये आ गया जनरल नॉलेज। इसके बाद है लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज से करना चाहते हैं वो आपको वहाँ पे दिखाई दिए, यानी कि आप किस लैंग्वेज में एंट्रेंस एग्जाम जो है वो किसी लैंग्वेज में चूज़ करना चाहते हैं एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एटसेट्रा, यानी कि और भी लैंग्वेज हो सकती है जैसे संस्कृत, बंगाली, पर्शियन, अरबिक, तो आप जिस मीडियम से करना चाहते हैं बीएड तो उसी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। या मैंने सिर्फ आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू बता दिया, संस्कृत भी हो सकता है, उसके अलावा अरबिक, पर्शियन, जो भी आपके पास यूजी में लैंग्वेज है और आप उसी का टीचिंग एप्टीट्यूड और उसी से आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप वही चूज़ करें, उसी के मुताबिक आपको वहाँ पे पेपर अवेलेबल होगा। अब इसकी बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 180 मिनट है। टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 180, यानी कि लगभग 3 घंटे का आपको वक्त मिलेगा। टोटल मार्क्स होंगे 170 के, यानी कि 170 के। तो ये पूरा पेपर जो होता है वो दो के पार्ट में होता है, मैंने यहाँ पर आपको पार्ट ए ही बताया, पार्ट बी जो होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू और प्लस आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम को मैशअप करके, यानी कि मिला के, तब उसकी मेरिट बनती है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मेरिट का बिल्कुल भी जरा सा भी डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि मेरिट जो है वो हर मीडियम की अलग आती है, हर कोर्स की अलग आती है। तो अगर एक एक कोर्स की मीडियम की यहाँ पे कट ऑफ लिखी जाएगी तो बहुत तवील हो जाएगी, बहुत वाइड हो जाएगी। इसलिए तो कट ऑफ को ना ध्यान में रखते हुए आप अपना 100% दीजिए, कट ऑफ चाहे कितनी में जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा अपना 100% देंगे, फिर मेरिट भी देखी जाएगी, जो भी आएगी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम और प्लस इंटरव्यू के बेस पे बनती है वो लगभग 80 और 90 के बीच में ही रहती है, कि इसकी जो कट ऑफ है वो इतनी जाती है। कभी कभी अलग अलग कैटेगरीज की होती है वो बिलो 80 भी हो जाती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आपकी जो कट ऑफ है या आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो अच्छे जाए और आपके जो मार्क्स हैं वो 80+ हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया, आपको ऐसे ही ओरली बता दिया। और आप जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ में बीएड करना जा रहे हैं तो आपको इतनी नॉलेज होगी, इतनी सेंसिबल होगी, इतने मैच्योर होंगे कि कट ऑफ को आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास टोटल मार्क्स आ गए आपके 170। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है। अब मीडियम ऑफ इंग्लिश, यानी कि इस पैटर्न का, इस पेपर का मीडियम क्या होता है, तो इस मीडियम का जो पेपर होता है, यानी कि बीएड का जो पेपर होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है, एक्सेप्ट लैंग्वेज, यानी कि आप अगर लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं तो आपको उसी लैंग्वेज में उसका पेपर मिलेगा, वो भी पार्ट डी वाला। तो मीडियम क्या होता है, इंग्लिश। अगर मीडियम कोई और से भी होगा तो आपको प्रेफरेंस इंग्लिश को ही देनी है, क्योंकि आप जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो इंग्लिश आपके लिए मस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी का ध्यान रखें जो आपको आने वाले समय भी बहुत प्रोसेस करेगी, बहुत हेल्प करेगी। तो ये हमने आज आपको बता दिया सिलेबस है, इसका टाइम ड्यूरेशन, सारी चीज़ें आपको बता दी। अब मैं बात करते हैं कि इसको तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। हालांकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, तो मैंने कुछ किताबों को आपको रिकमेंडेशन किया, आप इनको पढ़ के ये वाला जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड का कोर्स है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो चार किताबों को मैंने मेंशन किया, जिसमें डॉक्टर शफीकुर रहमानी की एक किताब है, आपको ये ऑनलाइन भी है, सारी किताबें आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगी। इसके बाद आर गुप्ता की है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, यही आर गुप्ता की आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही बेनिफिट करेगी। इसके बाद है आपकी द कंसेप्टम, यह भी बहुत अच्छी किताब है, आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, बीएड के लिए। और इसके बाद है एक अरिहंत वालों की भी काफ़ी अच्छी किताब है, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड कोर्स के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा आप लैंग्वेज के जिस भी कोर्स के हों, यानी कि आप लैंग्वेज में देखना चाहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप किसी भी लैंग्वेज का कोर्स का जो होता है लैंग्वेज की एक छोटी सी किताब ले लें, जिसमें बेसिक चीज़ें जो आपको मालूमात दी गई हों, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो आपको जो यूजी कोर्स की किताबें होंगी आपकी लैंग्वेज की, आप उन्हीं को पढ़ेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप जो है करंट अफेयर्स की कोई भी एक मैगजीन ले लें, उसमें भी आप उसको पढ़ते रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स की कोई
बुक नहीं होती। अब ये जो बुक होंगी जो मैंने आपको रिकमेंडेशन की है, इनमें करंट अफेयर होता है लेकिन काफ़ी वक्त का होता है। अगर इनका नया एडिशन अवेलेबल है तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप करंट अफेयर्स के लिए कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर के साथ जुड़ सकते हैं। तो यह है ना पूरा बीएड जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कोर्स डिटेल के बारे में आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और आपको इसमें जो भी डाउट आपके होंगे वो क्लियर होंगे। अब जो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो कैटेगरीज की जो सीट है वो आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा, तो वीडियो ख़त्म होने के बाद इसकी जो कैटेगरी लिस्ट है वो चलती रहेगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो जाएगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप उसको अपने आप देख लें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से संतुष्टि मिलती है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हाँ कमेंट करने ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हमें कोई इसलाह करना चाहते हैं या फिर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स और हमारा व्हाट्सअप नंबर 24x7 आपके लिए 24x7 खुला हुआ है, आपके कमेंट और आपके राय की हम मुंतजर रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.